नमस्कार दोस्तों, जो विद्यार्थी मैट्रिक पास 2022 में किए हैं, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर आपका मोबाइल में वेरिफिकेशन होने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया है, तो एप्लीकेशन को फाइनलाइज किस प्रकार करेंगे इसमें हम आपको पूरा बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर फाइनलाइज नहीं हुआ है तो स्टेटस किस प्रकार चेक करेंगे, कितना स्टेप मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है वो किस प्रकार देखेंगे इसमें बताएंगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखिए। अभी तक सिर्फ ओनली मैट्रिक का ही यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जा रहा है, कुछ दिन के बाद इंटर वाला का भी भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद यूज़र आईडी पासवर्ड आपका मोबाइल में या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। आपको दिखा देते हैं किस प्रकार आपका मोबाइल में मैसेज आएगा। जैसे ही मैसेज आएगा, आप एप्लीकेशन को जल्द से जल्द फाइनलाइज करने के बाद ही आपका पेमेंट वाला ऑप्शन प्रोसेस में जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका मैसेज किस प्रकार आएगा हम आपको दिखा देते हैं। क्या होगा, इस प्रकार का मैट्रिक 2022 स्कॉलरशिप, आपका नाम लिखा होगा और पासवर्ड और आईडी दिया रहेगा। ये पासवर्ड आईडी आपको करना क्या है, इसके बाद आपको आ जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में सर्च करना है मेधा सॉफ्ट। क्या सर्च करना है, मेधा सॉफ्ट हम सर्च कर लेते हैं। मेधा सॉफ्ट सर्च करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आएगा तो आपको देखिए नीचे करने पर यहाँ देखिए लिखा हुआ रहेगा, मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास 2022 के लिए आवेदन और प्लस टू यानी इंटर के लिए 2022 के लिए आवेदन। आपको अभी मैट्रिक का मिला है तो मैट्रिक वाला पर क्लिक कीजिएगा, इंटर का मिला होगा तो इंटर वाला पर क्लिक कीजिएगा। तत्काल हमें मैट्रिक वाला का यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है तो मैट्रिक वाला पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको लाइव दिखाते हैं सबमिट किस प्रकार करना है। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, थ्री डॉट पर क्लिक करके अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप साइट इनेबल कर देंगे। डेस्कटॉप साइट इनेबल करने पर आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आया है उसको यहाँ स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे। स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद अगर आपको पता नहीं है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले चेक किस प्रकार करेंगे तो रिपोर्ट में जाकर यहाँ क्लिक भी हेयर टू व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शन डालने का ऑप्शन आता है। जैसे किसी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है। डालने के बाद यहाँ सर्च पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सर्च पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जैसे इस विद्यार्थी का टोटल चीज वेरिफिकेशन इस तरह का ग्रीन दिखेगा, इसके बाद ही आपके मोबाइल में यूजर आईडी पासवर्ड जाएगा। इसका वेरिफिकेशन हो चुका है तो ये वेरीफाइड दिखाता है। इस प्रकार अपना भी चेक करते हैं। अगर यूजर आईडी और पासवर्ड आया है तो आपको करना क्या है, लॉगिन फॉर स्टूडेंट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट वाले सेक्शन पर जाकर इसमें यूजर आईडी में यूजर आईडी जो आपको मोबाइल में भेजा गया, पासवर्ड में 1234 इस तरह का जाता है और टेक्स्ट जो कैप्चा दिया हुआ यहाँ पर कैप्चा फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। हम आपको देखेगा यहाँ स्टूडेंट नाम जो आप डाले थे, टोटल वेरिफिकेशन हो चुका है इसलिए इसमें कोई भी गलती नहीं होगा। अगर आपका गलत होता है तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए फाइनलाइज एप्लीकेशन में यहाँ देखिए ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है तो इसको फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज पर क्लिक जैसे ही करेंगे आपका इंटरफेस आपके सामने आएगा। स्टूडेंट नेम यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आपको सबको यस करना है, नो किसी में नहीं करना। सब करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। टिक करने के बाद आपसे फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, कुछ तरह ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी डालना और वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा आपको एक इसका रिसिप्ट जो एनालाइज करने पर कुछ इस तरह का रिसिप्ट निकलता है, इसको रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख लेना और यहां पर स्टेटस अगर चेक कीजिएगा तो आपका फाइनलाइज दिखाएगा। अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो रही है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत होने पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।